बात नहीं हो रही मोनू की, डर लग रहा है इसको, बोल रहा है यार तो पहले वीडियो में कुटवाएगा। पट्टी पर जाएंगे जरूर, जाएंगे जरूर, पिट जाए पर जाएंगे जरूर। डोसा बन रहा है अभी। तो गाइस जितना दिखने में इतना सुंदर लगता है उतना ही खाने में टेस्टी है। 10 रुपीस मिल लियो गाइस। हम जा रहे हैं अभी नाश्ता करने, डोसा खाने। देखते हैं आपको बताते हैं कैसा क्या रहता है यहाँ के नाश्ते में, क्या क्या मिलता है। तो अभी भूख लग रही है थोड़ी सी, तो नाश्ता कर लेते पहले, उसके बाद हम पेट्रोल पंप पे जाएंगे और हमारा छोटा सा प्रैंक करेंगे। पता नहीं, हिम्मत नहीं हो रही मोनू की, डर लग रहा है इसको, बोल रहा है यार तो पहले वीडियो में कुटवाएगा। वीडियो पे पोस्ट देवे पकड़ के बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम नाश्ता करते हैं पर जाएंगे जरूर, जाएंगे जरूर, पिट जाए पर जाएंगे जरूर। अच्छा तो गाइस साउथ में जो मिलते हैं हमें, ये मिलते पुनगु है, तो जिस चीज़ का नाश्ता चाहिए उसका हमें टोकन कटाना पड़ता है। तो यहाँ पे टोकन होता है। ऑर्डर क्या क्या है? ऑर्डर दो डोसे के हैं, बड़े डोसे। ये कुछ इस तरीके का डोसा होता है। बैठे इधर बैठ। और भी बहुत सी चीज़ें मिलती है साउथ में नाश्ते में, तो सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है डोसा। गाइस मोनू अपना लेके आ गया, ये मेरा है, तो खाते देखते हैं टेस्ट करते हैं कैसा क्या रहता है। चलो हम भी जल्दी से खाते हैं और टेस्ट करते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह का होता है डोसा, तो हम टेस्ट कर लेते हैं पहले। तो गाइस जितना दिखने में इतना सुंदर लगता है उतना ही खाने में टेस्टी है। तो कभी आप साउथ में आओ तो खाइए डोसा। तो वाइट कलर की वो नारियल चटनी है और रेड कलर की वो टमाटर चटनी है, और ये डोसा है कि ये जो खा रहे हैं उसे बज्जी बोलते हैं, और यहाँ के लोग लुंगी पहनते हैं, सिंपल रहते बिल्कुल। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये देख सकते हो आप कैसे भीड़ लगी हुई है सुबह सुबह नाश्ते की। तो ये होता है डोसा, और डोसा ये प्लेन डोसा है, इसमें अंदर हम दिखाते हैं आपको प्याज वगैरह डाल करके। तो हम कोई फूड ब्लॉगर नहीं है, पर हम बता रहे हैं साउथ में जो नाश्ते में क्या क्या मिलता है। नाश्ते में डोसा, डोसा इडली, नारियल की चटनी, और जो फेमस है यहाँ का डोसा ही है। अच्छा हमको सिखा दिया है भाई, ये डोसा बना रहे हैं, अभी डोसा बनाएंगे भाई। अभी गरम कर रहे तवे को, ये सब सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए आए हैं सारे सारे। डोसा बन गया अभी, एक साथ दो डोसे बना सकते हैं इस पे। अब इसमें प्याज डालेंगे, और कुछ इस तरीके से बनता है डोसा। प्लेन डोसा था, अभी हमारा बन रहा है। तो गाइस इस तरीके से डोसा बनता है। तो अभी हमने नाश्ता कर लिया है, तो चलते हैं हम। फाइनली हमने सुबह का नाश्ता कर लिया है, तो डोसा खाया था हमने, बहुत ही अच्छा था। और आप भी कभी साउथ में आओ तो एक बार डोसा ज़रूर ट्राई करना। तो अभी चलते हैं पेट्रोल पंप की तरफ, जहाँ हम छोटा सा प्रैंक करेंगे, बने रहे वीडियो में। तो गाइस हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे, और वहाँ जाके हम लेंगे 10 से 15 रुपए का तेल लेंगे, और रिएक्शन नोट करेंगे कैसे क्या रहता है, क्योंकि 10-15 रुपए का तेल कोई डलाता नहीं है। तो साउथ में हम रिएक्शन देखेंगे पेट्रोल पंप पे कैसे क्या रहता है। तो मिलते हैं आपको पेट्रोल पंप पे। गाइस हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे, तो देखते हैं क्या होता है।
7, 8, 9, 10 भाई पेट्रोल डालने वाली है ना, जो कंफ्यूज हो गई 10 रुपए का, वो भी एक बार कंफ्यूज हो गई भाई 10 रुपए का तेल। फिर हमने बोला भाई 5 रुपीज 10 रुपीज का तेल चाहिए, तो उसका भी रिएक्शन अलग ही था। डालने वाला था जिसमें आज में आईफोन रह के 10 रुपए का तेल ले रहे थे, तो रिएक्शन अलग ही था उसका। तो ना मेरे को तो ऐसा लगा नहीं भरे वो सर सर बोलने लगी, और उसने सोच लिया था, मतलब उसने सुन लिया था 10 रुपए का, पर फिर भी डाउट था उसको, पता नहीं 10 रुपए का मांग रहे थे 110 रुपए का।